महाराष्ट्र महानगर पालिका कामगार और कर्मचारी फेडरेशन ने स्वराज संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति को खत्म करने और सबको समान काम समान वेतन देने की मांग की है। फेडरेशन की वार्षिक बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि तमाम श्रम कानूनों के बावजूद मनपा के अस्थायी कर्मचारियों को समुचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही है, जो कि अन्याय है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के 28 महानगर पालिकाओं में कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए महाराष्ट्र महानगर पालिका कामगार और कर्मचारी फेडरेशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वाशिम में वार्षिक बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के अध्यक्ष चरण सिंह टाक ने कहा कि तमाम नियम कानूनों के बावजूद महानगर पालिकाओं में ठेका कर्मियों को कम वेतन दिया जा रहा है, समुचित पगार और सुविधाएं नहीं मिल रही है। अकेले नवी मुंबई में सबसे अधिक 8,500 कामगार कॉन्ट्रैक्ट पर है, जो शोषण का बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने राज्य सरकार को समाधान का निवेदन दिया है और यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे लाखों कर्मचारियों के साथ आंदोलन करेंगे। चरण सिंह टाक ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो काम बंद आंदोलन भी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, कंत्राटी कामगार जो है वो परमानेंट होना चाहिए, नया नौकर भर्ती होनी चाहिए और जो 2005 के बाद में जो कर्मचारी लगे हैं उनको जूनी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए और जो सफाई कर्मचारी महानगर पालिका में काम कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम सापाल्य आवासीय योजना के तहत मुफ्त घर जो है वो देने चाहिए और उसके बाद में पदोन्नति का प्रश्न है, नया नौकर भर्ती का प्रश्न है और हदवाड़ जिसकी होगी जो एरिया बढ़ गया है जो महापालिका में वहाँ पर जो है वो नॉर्म्स के मुताबिक नौकर भर्ती होनी चाहिए। आकृति बंद के अंदर जो है ये तमाम पदों का समावेश करके नए जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ नए पदों की भी निर्मिति करनी चाहिए। इस तरीके की हमारी विभिन्न जो मांगे हैं इन मांगों को लेकर के हमने आंदोलन का एक अल्टीमेटम देने के बारे में आज इधर प्रस्ताव बनाया है और आंदोलन हम करेंगे, इसकी दिशा तय करिए और आज़ाद मैदान पे शक्ति प्रदर्शन है, उसके बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो विभिन्न महानगर पालिकाओं के सामने शक्ति प्रदर्शन होगा और उसके बाद में जो है हम लोग आवश्यकता पड़ गया तो हम काम बंद आंदोलन भी करेंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका में ठेका कामगारों के प्रतिनिधि विजय पाटिल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के प्रश्नों को लेकर उन्होंने फेडरेशन के जरिए आवाज बुलंद की है। विजय पाटिल ने भरोसा जताया कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे हैं कॉर्पोरेशन में उनको पेंशन योजना चालू हो जाए और न्यू मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज तक अनुकंपा धरती पे ज़्यादा नौकरियां नहीं लग रही है तो जो भी रिक्त जगह है उनमें उनका नाम पहले आ जाए और वो रिक्त जगह भरी जाए। उसके बाद आकृति बंद में जितने भी सीटें रिजर्व की है कॉर्पोरेशन ने मंत्रालय से, जो कॉर्पोरेशन खुद मंत्रालय से पास करवा के लाई है, उसमें से 45 सीट आज की तारीख में खाली है तो कम से कम वो सभी सीटें जल्द से जल्द भरी जाए जिस वजह से हमारे कर्मचारी अधिकारी पे जो तान गिर रहा है काम का वो कम हो जाए। अपने नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसमें महाराष्ट्र के 28 महानगर पालिका में से एकमात्र ऐसी महापालिका है कि जिसमें सबसे ज़्यादा करार पे कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है और उनको परमानेंट करने के लिए शासन दरबार में हमारा क्वेश्चन वहाँ पे उठाया जाए, इसके लिए फेडरेशन में रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।